तो गाइज मैं तो ऑफिस के पास पहुंचने वाली थी। इतना अच्छा मोर दिखा ना मुझे यहाँ पर, मैं क्या ही बताऊं। तो गाइज ब्रूनो घर आ गया। घर आने के बाद आराम से बिस्तर में बैठ गया। अच्छा आराम से नहीं बैठा, मत बैठ मत बैठ, ठीक है आराम से नहीं बैठा, आराम से नहीं बैठा है। इसको तो कुछ बोलना ही बेकार है, ऐसे मत देखा कर बदतमीजी से। तो पार्थ इतना गंदा ना तो मुंह मत बनाएगा, मैं तेरे को बता रही हूँ बहुत अच्छे से। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। टाइम देख रही थी सबसे पहले, टाइम हो रहा है अभी 7:35 और गर्वित चले गया स्कूल, उसको छोड़ के भी आ गई हूँ। अब लगा रही हूँ झाड़ू, उसके बाद फिर अन्य कार्य होगा, झाड़ू लगाती हूँ फिर नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो गाइज आज जाना है ऑफिस, अभी नहाया धोया कुछ नहीं, मैंने कहा पहले सफाई अभियान कर लेते हैं उसके बाद ही फिर और कार्य होगा नाश्ता वगैरह बनाने का। तो गाइज फटाफट से सफाई वगैरह कर लेती हूँ, आप सभी लोगों से फिर मिलती हूँ, बाय बाय। तो गई आज तो ब्रूनो नीचे घूमने गए, जो कि ये छत में सुसु पोटी करके फिर उसके बाद नीचे हम इसको थोड़ी देर के लिए घुमा के लिए आए। बस ज़्यादा राउंड नहीं, दो राउंड लगाए, फिर ब्रूनो यहाँ पर से वापसी हो गया। उसको थोड़ी सी घुमाओ ना, बड़ा खुश हो जाता है ब्रूनो। तो गई ब्रूनो भी घूम घूम के आ चुका है घर में। नहा धो लिया, चाय पी लेती हूँ एक बारी और, पार्थ बना रहा है चाय। तो तब तक मैंने सोचा कपड़े संभाल लेती हूँ, कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए संभाल लेती हूँ। और हस्बैंड गए हैं अभी नहाने, हस्बैंड के आने तक फिर उनके लिए चीकू सेक रेडी करना है। तो गाइज ऑफिस भी जाना है आज, घर का थोड़ी बहुत काम निपटा के फिर मैं ऑफिस को चलती हूँ। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से, बाय बाय। तो गाइज नहा धो लिया है, अब नहा धो के मैं फटाफट से बना लेती हूँ पराठा पार्थ के लिए। अपने लिए तो मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, हस्बैंड के लिए बनाऊंगी चीकू सेक। तो गाइज पहले सबसे पहले मैंने अपने लिए खिचड़ी बना ली और हस्बैंड के लिए ये चीज बनाया चीकू सेक। तो नहा धो लिया मैं सबसे पहले, अब करने जा रही हूँ पूजा। जोड़ लिया हाथ भगवान जी को, ले लो चीकू सेक। ठीक हो रहा, चल यार कमारी टेढ़ी हो गई, अब क्या होगा, ठीक हो रहा है? कहाँ टेढ़ी हो गई यार। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे सिर्फ पार्थ के लिए बना लो, ये आटा है और यहाँ पर जो है हमारा पराठा बन रहा है। बाजनी चमा चम हाईवे बाजनी चमा चमा प्यार हाथा चूड़े यार ना बाजनी खाना खन हाईवे बाजनी। तो गाइस आलू के पराठे तो हमारे हो चुके हैं रेडी, ये ले ऐसे क्या देख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खाना खा जल्दी आ ब्रूनो। आजा खाना खा ले ब्रूनो। बता पहले खा नहीं रहा था, इतना नाटक करता है बिना। तो गाइज मैं तो हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी, क्योंकि मुझे आज ऑफिस जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है। तो मैं बस ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। ओला बाइक मंगाई है, तो ये लो जी ब्रूनो जी भी मेरे साथ आने को रेडी हो गए। और जैसे इसका मूड होता है ना, जैसे उसको पता मैं जाने वाली हूँ, ये भी रेडी हो जाता है। देखो जी अभी पैर छुएगा, ब्रूनो बहुत ही स्मार्ट है, उसको लगता है मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इसलिए वो ऐसी हरकत करता है। तो गाइज मैंने ओला बाइक मंगाई है, आज मैं जा रही हूँ ओला बाइक पे, क्योंकि मेट्रो में जाऊंगी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा पहुँचने में, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ओला बाइक में ही चलती हूँ। तो गाइज फिर मैंने ओला बाइक की, तो देखिए आज सुबह का व्यू बड़ा ही खूबसूरत है, सुबह सुबह अच्छा मौसम होता है, तो अभी धूप बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है तो अच्छा मौसम हो रहा है। तो गाइज जस्ट मैं पहुँचने वाली हूँ
डीएनडी के पास में, तो जब मैं अपने ऑफिस के पास में ही ना, इतना अच्छा मोर दिख रहा था यहाँ से, और मैं ओला बाइक से उतर के फिर इसकी वीडियो बनाने लग गई। ये उड़ा भी नहीं, मैं इसके बिल्कुल पास तक पहुँची, तो ये भी धीरे 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 मठोमठ करके आगे को चल रहा था। तो गाइज बहुत ही सुंदर मोर था ये, और मैं इसके बिल्कुल पास ना जहाँ पर इसके पंख हैं वहाँ तक चलते जा रही थी, चलते जा रही थी, और इसको डर भी नहीं लग रहा था। तब मैं, मुझे लग रहा था कहीं टच करो काटने ना आ जाए, तो मुझे खुद ही डर लग रहा था। तो गाइज बड़ा ही सुंदर मोर था, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो गाइज मैंने सोचा था ऑफिस थोड़ी देर के जाऊंगी, पर काफ़ी टाइम लग गया घर जाके आलू उबाले। आलू उबालने के बाद मैंने सोचा आलू की तरीदार सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी ना थोड़ी थोड़ी सूप पीने का मन हो रहा था, तो मैं आलू चावल बनाऊंगी। और यहाँ पर हस्बैंड के लिए बिस्तर लगा दिया, उनका आज मन है कि इस रूम में यहाँ पर सोने का, तो इसलिए यहाँ पर हमने बिस्तर वगैरह भी लगा दिया। तो गाइज उसके बाद फिर बर्तनों का ढेर देखो जी, बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, इनको तो मैं लास्ट में धोऊंगी। पहले मैं सोच रही हूँ खीरा खा लें, ये पराठा बनाया था पार्थ के लिए, खाया नहीं उसने। तो गाई जब मैं फटाफट से खीरा काट लेती हूँ पहाड़ी स्टाइल में। तो गाई जब हमारे गांव में ना खीरा को, खीरा ककड़ी होती है एक, मतलब एक खीरा छोटा है ककड़ी से बड़ी होती है, बड़ी स्वाद होती है। तो मैंने ककड़ी स्टाइल में आज खीरा काटा है, और इसमें जो नमक है वो मेरी दीदी ने भेजा था, वह नमक डाला हुआ है। तो गाई खाना वगैरह खा लिया, और गर्वी पार्थ यहाँ पर टी वी देख रहे हैं, और ब्रोनो जी आराम से यहाँ पर नीचे सोया हुआ है। तो गाई बच्चों को भी दे देते हैं खीरा, फटाफट से खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम खाएंगे खाना। तो यहाँ पर तो गर्वित की हमारी बदमाशियाँ चलते रहती हैं, वो इस तरह से बदमाशियाँ करता है क्योंकि उसको पास राती को होता है खेल वेल करने का समय। तो गाय गर्वित के ना दांत में दर्द हो रहा है, तो अपने पापा को अपना दांत, क्या मिला गर्वित तेरे को, क्या बात कर रहा है, स्माइली मिला। तो गाइज आज गर्वित को ये देखो क्या लिखा है, पेड़ लगाओ पार्ट टू, टन टन घंटा कक्षा कार्य प्रश्न उत्तर, रामनगर के लोग क्यों परेशान थे, रामनगर के लोग जंगल से घंटा बजाने की आवाज आने से परेशान थे। अच्छा करा है बउआ, थोड़ी थोड़ी गलती है, कोई बात नहीं, अच्छा करा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बना है, अगली बार 2 स्टार आने चाहिए। ओके स्माइल भी मिला गर्वित को आज, वाह वेरी गुड गर्वित। तो यस गाइज घर आ गई, पूजा पाठ भी हो गई है, और अब फटाफट से बना रही हूँ खाना। इतनी ज्यादा भूख लग गई थी, मैंने हस्बैंड से बोला आलू उबालने रख दो, फिर मैं घर आई फटाफट से, मैंने आलू का जो आलू की सब्जी बनाई तरी वाली, और साथ में बनाया भात। तो गाइस फटाफट से खाना खा लेते हैं, आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप जो मैं डेली के ब्लॉग डालते हैं आप सभी लोगों को पसंद आते होंगे, पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाइस आज वीडियो इतनी ही रहेगी, मुझे थोड़ी तबीयत भी सही नहीं हो रही, आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं।